वो भी ऑफ गार्ड एंगल से निकलना, एक गलत मूव यहाँ पर साबित होता नजर आया। दूसरा यहाँ पर उन टीम्स की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एंड ये टीम की हम बात करें गटका की तरफ होते हैं गाइस, सोल वर्सेस टैक्टिकल ईस्पोर्ट्स। शुरुआती फाइट्स अभी देखिए कोई झटका नहीं लगा है यहाँ पर, बट सिनर्जी जरूर देखना चाहेंगे। पहला मैच है गाइस एज अ टीम, अभी बस हम इसको सोल प्लेयर 1-0 ऐसे ही करके बोलेंगे। यहाँ पर देखिए आ चुके हैं यहाँ पर टैक्टिकल के लिए काफी उस खिलाड़ी के लिए एक मुश्किलें होने वाली है, बट लेट्स फाइंड आउट क्या क्लच निकाल पाएगा ये खिलाड़ी। जी नहीं, आते ही यहाँ पर एग्रेसिव मूव उनके द्वारा और प्लेयर 4 यहाँ पर टैक्टिकल के उस खिलाड़ी को करेंगे गेम से बाहर। एक और खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है टैक्टिकल का, बट क्या यहाँ पर उसको स्पॉट आउट किया गया है, क्या यहाँ पर स्पॉट आउट किया गया है ये अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन उनके बाकी खिलाड़ी कहाँ पर है, क्योंकि अगर मैप की तरफ देखूँ तो डिस्टेंस है अभी भी 400-500-600 मीटर अभी भी यहाँ पर दूरी उसको तय करनी पड़ेगी, पास आना पड़ेगा तभी यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बिल्कुल रीइंफोर्समेंट आ चुकी है यहाँ पर एंड लेस पाइन और गाइस ये एग्रेसिव सोल फिलहाल के लिए मुझे अभी के लिए एक नजर आती हुई अभी के लिए तो फिलहाल के लिए नजर आ रही है लेस पाइन। और आगे चल के जो मैचेस जैसे रहे आगे बढ़ता रहेगा उसमें किस प्रकार का यहाँ पर रहेगा यहाँ पर उनका रवैया, बट फिलहाल के लिए एक एरियल व्यू जरूर दिखाना चाहूंगा। एग्जैक्ट कहाँ पर है टीम, कहाँ पर है प्लेयर्स वो एक बार जरूर दिखाते हैं। टैक्टिकल वेट कर रहे हैं यहाँ पर, क्लच की बात करें फ्लैंकिंग एंगल जरूर चेक करेंगे। प्लेयर 0 प्लेयर 1 थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और दूसरा OS यहाँ पर निग्मा गैस के आर्टिमस को वहाँ पर करते हुए नॉकआउट, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा लगता है इस फाइट के लिए। मेरे ख्याल से एक और इनिशियल नॉक की बरकरार यहाँ पर रहने वाली, क्योंकि उनको पता तो है खिलाड़ी उस तरफ आ चुके, बट कौन से कंपाउंड में कौन सा खिलाड़ी है वो एक बार देखने वाली बात है। अगर यहाँ पर टैक्टिकल के लिए देखिए एक और नॉकआउट होते तो मुश्किलें फिर बढ़ती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे करके यहाँ पर टीम सोल के जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ते हुए फिलहाल करना चाहते हो। गाइस एक और चीज़, 2 मिनट का स्ट्रीम डिले भी है, तो थोड़ा सा आपको डिले से ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो मैं यहाँ पर बोलूँगा वो 2 मिनट बाद ही आपको लाइव सुनने को यहाँ पर मिलता नजर आएगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर ग्रेनेड फेंका गया है, लेकिन ये ग्रेनेड प्लेयर 1 अगेन यहाँ पर साबित होते हुए नजर आए, नॉकआउट किए गए हैं। बट अब वो एग्रेसिव रवैया अपनाया जा सकता है, लेकिन ये पॉज नहीं देना चाहिए था शायद, बट क्लच की जो एक पोजीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नॉकआउट हुए, देखिए प्लेयर 1 ने यहाँ पर ऑलरेडी झटका दे चुका। अब यहाँ पर हम बात करें बाइजन के साथ एंट्री करते नजर आएंगे, लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि वो जो खिलाड़ी है बैक साइड का क्लच वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। फिर से एक गलती नहीं करना चाहिए, पहले तो प्लेयर 1 को रिवाइवल दिया मिल चुका है यहाँ पर, और प्लेयर 0 की हम बात करें उसको रिवाइवल की दरकार है, जल्दी से यहाँ पर रिवाइवल देना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल है इनके लिए भी यहाँ पर बढ़ सकती है। 3v4 की फाइट है, टैक्टिकल कोशिश जरूर करेगा। देखिए ग्रैंड फाइनल्स की टीम पहुंच चुकी है, TSM शैडो वहां पर HH के अगेंस्ट पे फाइट लेते हुए नजर आ रहे, हैदराबाद हाइड्रास भी यहां पर फाइट लेती हुई TSM के अगेंस्ट। TSM तो ऑलरेडी फाइट जीत भी चुकी है यहां पर, और इसी बीच और भी फाइट्स क्या यहां पर इनिशिएट होती हुई नजर आएगी। टैक्टिकल की तरफ से देखा जाए तो क्लच का काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर आने वाला है, इस बार क्या गलती करेंगे। जी नहीं, हल्का सा स्नीक पीक, बट अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से ना अब बहुत लेट हो जाएगा, पास जाना पड़ेगा अपनी टीम के। दूसरा वहां पर ऑर्गनाइज 5 TSG के अगेंस्ट भी फाइट लेती हुई यहां पर नजर आ रही, लेकिन क्या यहां पर टैक्टिकल हिटमैन S12K है इनके पास। देखिए लिमिटेड ही लूट है इनके पास, कुछ फर्स्ट एड किट्स वगैरह बिल्कुल भी मुझे नजर नहीं आ रहे यहां पर, गए थे नीचे, वापस से आना पड़ेगा। और बाकी प्लेयर्स क्या यहाँ पर फ्री फायर करने की दरकार अभी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बट देखिए ग्लिच के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर गए जरूर, लेकिन नॉकआउट कर दे गए। और फाइनली यहाँ पर टीम सोल TS यहाँ पर टैक्टिकल ईस्पोर्ट्स को करती हुई गेम से